कमेटी का ना हो, कमेटी के बाहर का, कमेटी का कोई भी मेंबर ना हो उसमें शामिल, सिर्फ दर्शक को 100 रुपए का इनाम मिलने वाला है। नहीं, फेसबुक पे तू पे अपलोड कर देते हैं। लॉस कितना आपका है? छह बल्लेबाज, अपना नाम बता दे दोस्तों। और यूट्यूब पे 8.5 है। चलिए इधर है मिस्टर, उधर है गोलू, गेंदबाज विजय। चलिए स्ट्राइक ग्राउंड पर 3 नंबर बल्लेबाज मिस्टर, नॉन स्ट्राइक ग्राउंड पर है गोलू और गेंदबाज है भाई, जितने लोग देख रहे भाई वीडियो को शेयर कर दे भाई, विजय। चलिए गेंदबाज विजय है, 12 ओवर का मुकाबला, 116 रन बचाने के लिए तैयार। क्या होगा पावर प्ले का ये 4 ओवर? इसमें 4 ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले है बल्लेबाज के लिए। चलिए विजय पहले के मिस्टर के लिए, मिस्टर तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, और यहाँ पर हल्के बल्ले से कट गया वहां पर, फील्डर तैनात थी उधर तारीख अंदर, थर्ड स्लिप की दिशा में जब गेंद को फेल किया था, रन बनने की तमाम उम्मीदों को खत्म कर दिया था। बड़ी तेजी के साथ गेंद आई, टप्पा खाने के बाद कोड बदलती हुई बाहर की तरफ निकल रही थी और बल्लेबाज ने उस पर आक्रमण किया था जरूर, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में पहुंची थी गेंद 30 गज तारीख के अंदर, सर्किल के अंदर फील्ड होती हुई नजर आई थी। अब क्या कुछ होने वाला है अगली गेंद बल्लेबाज के लिए, इस बार फिर से वही दिशा वही गेंद थी, हल्के बल्ले से खेला वही खिलाड़ी के पास, फिर से 30 गज दायरे में फील्ड कर लिया गया है गेंद को, दो गेंदें इस ओवर से काट पा जाती हुई और एक गेंद सांसें बढ़ाएगी बल्लेबाजों के लिए। 12 ओवर का मुकाबला, चलिए अगली गेंद विजय की बल्लेबाज के लिए, और हल्के बल्ले से खेला है जरूर और आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाज ने, इन एक रनों के साथ अब खाता खुला है देवरिया टीम का, एक रन चाहे वो भी नहीं खुला है वो भी पकड़ लिया गया और बिल्कुल दबाव डाल दिया है बिल्कुल अलग अंदाज में, हालांकि उतनी दूर थी गेंद, रन मिल सकता था लेकिन रन नहीं लिया था मिस्टर एंड कंपनी। अगली गेंद मिस्टर के लिए, इस बार फिर से कट करने को जोरदार अपील यहां पर, और क्या आउट दिए जाएंगे जी हां, थर्ड अंपायर का इशारा दिया है अंपायर ने, फैसला आना है अभी बाकी, फैसले का इंतजार है, बल्ले को चूमी है गेंद या फिर बाल बाल बचे है। अंपायर के ऊपर गया, देखो क्या फैसला, चलिए नॉट आउट का इशारा आया अंपायर का, थर्ड अंपायर को सौंपी गई थी जिम्मेदारी, नॉट आउट का दिया है फैसला। बहरहाल 4 गेंदे डॉट बॉल इस ओवर से, पहली गेंद डाली आउटस्टंप से बाहर, दूसरी गेंद आउटस्टंप कोड बनाती हुई थोड़ी सी बाहर निकली, तीसरी गेंद पर चकमा दिया और चौथी गेंद पर बिल्कुल परेशान किया है बल्लेबाज को। अब क्या कुछ होगा, पहले ओवर का खेल है जारी, 12 ओवर का मुकाबला, 116 रन जीत गया, मेडन ओवर जाएगा ये विजय एंड कंपनी के जरिए, मिस्टर तैयार अगली गेंद के लिए, और ये अच्छी गेंद और एक बार फिर से दिया है चकमा बल्लेबाज को, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी, बिल्कुल सीधी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी होती हुई, अच्छी गेंदबाज की निशानी नजर आ रही इस गेंदबाज के अंदर, बिल्कुल 5 गेंदें लगातार डॉट बॉल, आखिरी गेंद आनी है बाकी ओवर से, क्या बेटा जाएगा या फिर खाता खुलेगा देवरिया टीम का इस बार, और इस बार खेला है जरूर, कारपेट की सारी गेंद पहुंची वहां पर सीधा फील्डर के हाथ में, आसानी के साथ एक रन के साथ अपना छोर बदला, फिर से स्ट्राइक रहेंगे अपने पास मिस्टर, एक ओवर के बाद एक रन है टोटल स्कोर बगैर किसी नुकसान पर टीम देवरिया का।
चलिए एक ओवर के बाद स्कोर है एक रन और देखा जाए बिल्कुल दबाव में यहां से खराब शुरुआत कही जाएगी, धीमी शुरुआत कही जाएगी देवरिया टीम की। मिस्टर और गोलू की जोड़ी, सलामी जोड़ी क्या कुछ करने वाली है और वही देखा जाए। चलिए 16 नंबर खिलाड़ी ध्यान पांडे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामने बल्लेबाज फिर से मिस्टर तैयार। 6 गेंदे खेली है, 1 रन बनाया है अभी तक इस बल्लेबाज ने, क्या होने वाला है। वहीं इस मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट चलाया जा रहा है जफर एनजेड यूट्यूबर और यूट्यूबर के जरिए जो फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है और साथ ही साथ देखे जा रहे हैं ब्रिजानंद मिश्र दैनिक जागरण से जो इस टूर्नामेंट की न्यूज पूरे हिंदुस्तान में फैलाते नजर आने वाले हैं। और ज्ञान पांडे अगली गेंद, इस ओवर की पहली गेंद हल्के बल्ले से स्टेयर किया, वहीं पर दबाया और लगती गेंद वहीं पर रह गई आसानी के साथ, बिल्कुल अलग अंदाज में वहां पर माहौल बना दिया है। अब ऐसा लग रहा शुरू शुरू में कि नीले पर पीला भारी पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब पीला पीले पर पीला दबाव डाल चुका है। क्या होगा अब यहां से ज्ञान पांडे लेफ्ट आर्म और विकेट बल्लेबाज के लिए गोल्ड टास्क लेकर पीला जरूर वहां पर हवा देंगे और तीस गज दायरे में पकड़ लिए जाएंगे। जाना होगा पवेलियन बल्लेबाज को, बहुत देरी से परेशान नजर आ रहे थे। पहला झटका लगा है यहाँ से देवरिया टीम को। चलिए विशाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वही मिस्टर की बात की जाए जिन्होंने 8 गेंदों का किया सामना और 1 रन बनाकर लौटे पवेलियन, कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन कहा जाएगा। अपने खराब प्रदर्शन से जूझता नजर आया वो बल्लेबाज और सस्ते में टाल लिया है यहाँ से सलीमपुर के गेंदबाजों ने। दबाव डाला था पहले गेंदबाज विजय सहानी ने, उसके बाद अब ज्ञान पांडे वही काम को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। 2 गेंदे डाली है अभी तक इस ओवर से और कोई रन नहीं दिया, एक बड़ी मछली जाल में फंसाई है इंस्टरनेट कंपनी की। विशाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्या कुछ होने वाला है, क्या ज्ञान इन पर भारी पड़ते नजर आएंगे। पहली गेंद का सामना करेंगे विशाल, अगली गेंद और हल्के बल्ले से खेला वहां पर रन आउट का मौका जरूर, लेकिन गेंद हाथ से फिसलती नजर आई को फील्ड किया था। दोबारा मेहनत करके आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे दोनों ही बल्लेबाज ने। आते ही 2 रनों से खाता खोला है विशाल एंड कंपनी ने। 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 3 रन 1 मिनट के नुकसान पर दूसरे ओवर की ओर जारी। 12 ओवर का मुकाबला, 116 रन चेस करना है टीम देवरिया को। सबसे कर दो भाई, शेयर कर दो भाई, बहुत ही अच्छा मैच है ये। चलिए ये 16 नंबर खिलाड़ी ज्ञान पांडे बिल्कुल अलग अंदाज और इस बार देखिए बिल्कुल याद की जड़ में डाली और अपने आप को बचाया वहां से बल्लेबाज ने, बिल्कुल बल्ले की जड़ में से खन कर निकाला था और चटका दिया था बल्लेबाज को। अब क्या कुछ होगा, बिल्कुल दबाव डाल दिया है इस गेंदबाज ने, कमर तोड़ दी है यहां से देवरिया के बल्लेबाजों के। लेकिन इस बार देखिए अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर तराई, बल्ले की जड़ में डाली और हल्के बल्ले से खेला वहां पर, अपने आप को बचाया और सिंगल के साथ अपना छोर बदल लिया है। 81 गेंदबाजी बिल्कुल अच्छे अंदाज में होती हुई सलीमपुरी गेंदबाजों के जरिए, जैसा कि जाना जा रहा था कि 116 का टारगेट उसने देवरिया की टीम तेजी के साथ रन बनाकर तकरीबन 8 या 10 ओवर के मुकाबले को चेस कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है नहीं। खराब शुरुआत कही जाएगी, एक गेंद भी गंवाया उसके बाद धीमी शुरुआत, कहीं ना कहीं बिल्कुल पेनाल्टी नजर आएगी टीम को। जो सऊदी से देख रहे हैं हमारे गांव के मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई। चलिए पूरा दबाव बना लिया है मुकाबले में, पकड़ बना ली है यहाँ से सलीमपुर ने पहली गेंद से लेकर, और इस बार शॉट पिच गेंद पुल करने की कोशिश,
लेकिन जीवा बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया और अपील की थी वहां से, लेकिन अपील को नकारा था, उत्साह था और दो ओवर के बाद स्कोर देखा जाए 4 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आया है 3 रन और अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक दोनों ही गेंदबाजों ने। 12 ओवर का मुकाबला पावर प्ले का ये स्पेस चल रहा है, 2 ओवर खत्म हो चुका है, सिर्फ 4 रन बना है। पावर प्ले में जबकि दो ही खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक नजर आते हैं और दो खिलाड़ी जो बाउंड लाइन के नजदीक नजर आते हैं, खिलाड़ी ओवर सारा दारा मदार होता है बाउंड्रिया बचाने का, उठा पाया है, उठा पाए हैं यहाँ से देवरिया के बल्लेबाजों ने। टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट ना करें, दोस्त बिल्कुल करें। भाई रिंकू का भी मैच होगा भाई, ये हाँ भाई 4 रन अभी तक हुआ है टोटल स्कोर 2 ओवर के बाद, बचे हुए दो ओवर है पावर प्ले के, इसमें अपने हाथ को खोलना चाहेगी देवरिया की टीम। विशाल है चाहे गेंद पर आने चाहे पर गोलू, इन दोनों की जोड़ी कितनी कारगर साबित होने वाली है ये बचे हुए कुछ ओवर में पता चलने वाला है। चलिए इस बार फिर से अगली गेंद और इस बार इसके प्रति गेंद हल्के बल्ले से फ्लिक किया है, गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ये चौका कहीं ना कहीं अब दबाव को थोड़ा सा हटाता नजर आएगा और बिल्कुल कलाइयों के सहारे मोड़ दिया था इस बल्लेबाज ने, चौके के रूप में तब्दील किया था अपने शॉट को। भाई आप लोग शेयर कर दो भाई, बाद देख रहे वीडियो को भाई शेयर कर दो। कमलेश है गेंदबाज, क्या होने वाला है, पहले ही गेंद लेग स्टंप पर डाली कलाइयों के सहारे, अपने शॉट को चेक किया तो सिग्नेचर शॉट लगाया था इस बल्लेबाज ने और चौका बटोर लिया था इस वाले बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 8 रन और इस बार फिर से कमलेश अगली गेंद बल्लेबाज के लिए और ये देखिए बेहतर गेंद बल्ले के करीब से गुजरती हुई चली गई थी सीधा विकेटकीपर की ग्लव्स में और बाल बाल बस्ती नजर आए थे वहां से ये बल्लेबाज, बिल्कुल माहौल बदल दिया था इस गेंदबाज ने। वही दोस्तों कुरुबो जवार से आए हुए तमाम क्रिकेट शहदाइयों का, खेल प्रेमियों का, इस टूर्नामेंट से मोहब्बत करने वाले तमाम दर्शकों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ और उन तस्वीर कमेटी के तमाम मेंबरों के जरिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और लंका के ऊपर से एक छोटा और लगाया इस बल्लेबाज ने, अब थोड़ी सी उम्मीदें जताई है विशाल एंड कंपनी ने। डेरावा में चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 12 रनों पर, तीसरे ओवर एक खेल है जारी, पहले ओवर से 1 रन, दूसरे ओवर से 3 रन और इस ओवर से अब तक 8 रन आ चुके हैं चौके के रूप में, बिल्कुल अब रन गति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है विशाल एंड कंपनी, क्या कुछ गलती नजर आएगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए यहाँ से और अच्छी गेंद खेला है जरूर लेकिन सीधा फील्डर के हाथ, एक स्लिप जो तैनात रही है विजय के रूप में उनके पास पहुंची थी गेंद और कोई रन नहीं बना था, गेंद पर आगे जाती हुई चलिए अगली गेंद यहाँ से और इस बार खेला है गेंद को ऊपर के आड़ी है तैनात, गेंद में है बाड़ी है से बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही खराब गेंद की फायदा उठाया था इस बल्लेबाज ने, अब क्या कुछ होने वाला है, ये फुल टॉस लेकिन बाहरी किनारा ली और चली गई सीधा स्लिप के दिशा में, वहां पर विजय तैयार थे गेंद को रोकने के लिए। स्कोर देखा जाए 3 ओवर के बाद 18 रन एक विकेट के नुकसान पर टीम देवरिया का और आगे का आंकड़ा देखा हाल सानू जी की जवानी देखा जाएगा।
लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय देवरिया की टीम में बता दूं निर्धारित जो 12-12 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है इस क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले ग्राउंड देरवा जो कि हर साल की भांति इस साल भी इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता बबलू यादव जो कि एक शानदार इनकी टीम कमेटी सिक्स भाई मैच थोड़ा एक वजह से बंद एक और कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी भाई अंपायर जो है बहुत ही अच्छे अंपायर है अंपायर को क्रस किया और बाल बाल बचे भाई एक रन पूरा कर लिया दौड़ के कैच था लेकिन कीपर के छूट गया भाई ये मैच बरारगढ़ डेरावा गांव गोरखपुर में हो रहा है भाई ये अंपायर जो है बहुत लाजवाब अंपायर है भाई इनकी एक्टिंग अभी देखना चौके या छक्के आउट होने पर देखो पूरा क्राउड देख रहे हैं भाई ये देखो छुट्टी हुई व्हाट अ कैच भाई और देखे तरीका भाई देखो लाजवाब कैच भाई दिल खुश हो गया कैच देख के सच में बहुत ही अच्छा कैच भाई भाई आउट हो गए एक ग्राउंड देख लीजिए भाई पब्लिक स्कूल की छुट्टी हुई हाँ सिद्धाम भाई गल का गीले पीछे नमी वाली पैर चारों ओर देख रहे कोई ग्राउंड में तो नहीं है वो बाल बाल बच के भाई ये अंपायर की बहुत तारीफ मैं कर रहा हूँ भाई मैच खेले शुरू गेंद फेंकने से पहले चारों देख रहे कोई तो खिलाड़ी तो नहीं आ गया मैदान में और चौका छक्का आउट देने का तरीका बहुत अच्छा है इनका बहुत ज्यादा स्टिक रहते हैं भाई अंपायर देखो चारों तरफ देख रहे हैं पहले कोई आए तो नहीं फिर बॉलर को देख रहे हैं ये देखो खेल दिया 22 के साथ 26 देख रहे भाई स्टेंट के पार 6 देख रहे भाई माइक अभी बोला जाएगा माइक एक रन भाई दौड़ के पूरा कर रहे हैं फिर व्हाट फील्डिंग भाई एक नंबर ओवर ये देखो ओवर दे रहे हैं देखो भाई रन बता दीजिए आप लोग को भी दिख गया था भाई कैच कितना शानदार था भाई
अब मैच स्टार्ट होगा भाई। मैं बता दूं इस समय मुकाबला जो चल रहा है 115 रन जो कि आज का उद्घाटन मुकाबला निर्धारित 12 ओवर का मुकाबला था, जिसमें लक्ष्य का पीछा करते हुए देवरिया की टीम निर्धारित अभी 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। एक विकेट के नुकसान से तो मैच काफी, माफ कीजिएगा, 2 विकेट के नुकसान से इस समय सामना करेंगे दुलेत जो कि रोड शो से इस समय बालिंग का भार संभालते हुए बॉलर फुल टॉस पहले किसे ड्राइव किया है उस ओर कोई फील्डर नहीं के सीमा रेखा के बाहर 4 रन। स्कोर इस समय जा पहुंचा है तेजी से 36 रन को खिलाड़ी के नुकसान पे इस समय डूबती हुई जो कि एक नैया दिख रही थी शुरुआती झटके से उभरते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने एक शानदार यहां पे मुकाबला जो कि चल रहा है देवरिया और सलेमपुर से उद्घाटन मुकाबला फिर एक बार रोड छोड़ से अपने पहले ओवर के दूसरी गेंद लेकर इसे पहले पे जाकर गेंद लगी और रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज, साथी खिलाड़ी ने मना किया। अभी भी स्कोर मैं बता दू 36 रन जो कि गेंदबाज ने आनंद अपने स्पेल का पहला और टीम के तरफ से 5 ओवर जो कि यहाँ पे कुछ मैं दोनों ही पार साहब को एक दिशा निर्देश जो कि कमेटी के तरफ से समय का भी ध्यान रखा जाए, यहाँ पे लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है, आप जो फैसला करेंगे वो लास्ट फैसला होगा, कोई खिलाड़ी और कोई भी टीम फैसला नहीं करेगी, आप जो फैसला ले लेंगे वही आखिरी और फर्स्ट होगा, तो इस चीज का ध्यान दें। थोड़ा मुकाबला इस समय जो कि अभी 5 ओवर प्रगति पे है, स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। आज का उद्घाटन मैच जो कि भाई जर्क की अपील हुई थी और मैं बता दूं इंपायर उसके बाद बोला डाल सकते की तरफ से हरी झंडी यहां पर दी गई है, तो फिर एक बार आनंद तैयार होंगे स्ट्राइक पे इस समय बुलेट रोड छोड़ से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट साथी चोरी से खेला जरूर है, गेंद कुछ देर हवा में जरूर रही थी लेकिन पीछे खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड करते एक रन और धीरे ही धीरे सही, लेकिन देवरिया का स्कोर बढ़ता हुआ इस समय जा पहुंचा है 37। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर की प्रगति पे इस समय मुकाबला मैं बता दूं ये उद्घाटन मुकाबला आज का जो कि 12 ओवर का खेला जा रहा है इस समय गोलू जो कि स्ट्राइक पे 7 रन टोटल अपने निजी स्कोर पे और टीम का स्कोर इस समय जा पहुंचा है 37 रन। एक शानदार मुकाबला दोनों ही टीमें उम्मीद लेकर ये नॉकआउट दौर है, अगर जो भी यहां पे टीम हारती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। फिर एक बार आनंद चले साइड रोड छोड़ से साइड की छोरी से घुमा दिया है ये तो सीमा रेखा के बाहर 6 रन। भाई ये तो लोग देख रहे वीडियो को भाई शेयर कर दो भाई, ये दोस्तों में खेला जा रहा भाई 12 प्लस 12 होता है, पहले बैटिंग करते हैं 12 में 115 रन बनाई है, सेकंड इनिंग चल रही है 13 में ना चला भाई बाहर जो तो इस छक्के के मदद से दंडनाती हुई समय देवरिया की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे फिर एक बार आनंद फिर इसे उठाया जरूर है लेकिन जब तक लॉन्ग ऑन पे फील्डर अंकित फील्ड करे और थ्रो करे इतना मौका था कि अपना साइड इस सिंगल के मदद से अभी स्कोर जा पहुंचा 44। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे एक शानदार साझेदारी ये दोनों टीम जो अपने टीम के तरफ से कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी बिट्टू और गोलू, चिंता का सबक अभी भी बना हुआ सलेम के यह जोड़ी और यह
जो इस समय दोनों बल्लेबाज क्रीज पे है। फिर एक बार अगली गेंद आप स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई मिस फील्ड के सीमा रेखा की तरफ जा रही है, लेकिन उस ओर खिलाड़ी जब तक फील्ड करे विजय साहनी और थ्रो करे दो रन और बाई के रूप में यहां पे रन आता हुआ और ओवर की समाप्ति। तो पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 46 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी मुकाबला बराबरी का चलता हुआ। मैं बता दूं 42 गेंदें और शेष आनी है जो कि यह मुकाबला उद्घाटन खेला जा रहा है। पहला मैच का 42 गेंद जो निर्णायक यहां पे बचा है। तो मैं बता दूं सलेमपुर की टीम से बहुत ही उम्मीद लगाती है क्षेत्र की जनता कि हर बार, लेकिन दो बार इस टूर्नामेंट से मैं बाहर हो चुकी है। इस बार तीसरी बार इनका उद्घाटन मैच जो कि रखा गया आज देवरिया से एक शानदार मुकाबला चलता हुआ आप लोगों के बीच। गेंदबाज नेम दशरथ, तो दशरथ होंगे इस समय जो कि कमेंट्री छोर से हॉस्पिटल छोर से गेंदबाजी करेंगे अपने स्पेल का पहला और टीम के तरफ से छठा ओवर लेकर इस समय आते हुए। मैं बता दूं 42 गेंदों में 70 रनों की जरूरत और 8 खिलाड़ी अभी भी देवरिया के टीम के खाते में है। फिर एक बार दशरथ चलेंगे अपने स्पेल का पहला ओवर की पहली गेंद और इसे खेला जरूर है पॉइंट की तरफ जब तक वहां पे आनंद फील करे और थ्रो करे। एक रन और तो यह मैच और एक रोमांचक स्थिति में जाता हुआ। दोनों टीमें अभी भी बराबरी पे खड़ी हैं। अगर सलेमपुर को दबाव बनाना है तो यह जोड़ी तोड़ना ही होगा जो कि शानदार एक साझेदारी दोनों खिलाड़ी के कंधों पर इस समय देवरिया का भार। मैं बता दूं दो खिलाड़ी जो आउट हुए कुछ खास योगदान कर ना सके अपनी टीम के तरफ से। आज का उद्घाटन मुकाबला जो कि मैं बता दूं कल दो मुकाबले होने हैं। फिर एक बार चले और आप स्टेम्स के बाहर यार के लेंथ की गेंद वहीं पर इतना मौका नहीं था। अभी भी स्कोर रुका हुआ 47 रन। मैं बता दूं 69 रनों की और दरकार बची जो 40 गेंद है। फिर एक बार चले दशरथ उल्टा स्पेल कैसे लग आपके ऊपर से खेला जरूर उस और खिलाड़ी मौजूद और तीसरा विकेट जाता हुआ इस समय देवरिया को। तो जिस विकेट की दरकार थी वो दिलाते हुए दशरथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारने के प्रयास में भूले के अपना विकेट गंवाते हुए। विकेट जो सफलता की दरकार थी सलेमपुर की टीम को इस मुकाबले में वो दिलाते हुए और एक साझेदारी तोड़ते हुए इस समय दशरथ जो कि पहला विकेट अपने टीम की तरफ से और देवरिया का तीसरा विकेट जाता हुआ इस समय जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। बुलेट बल्लेबाज अजय इस समय उनका साथ देने आए हैं। ओवर में और सलेमपुर को वापसी कराते हुए इस मुकाबले में। तो इस समय स्कोर जा पहुंचा है 47 रनों पे अभी भी स्कोर रुका हुआ। अजय और इसे उठा के खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का
तो अच्छा खासा ओवर निकल रहा था जो कि दशरथ का फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर जो कि एक लॉन्ग आर्म के ऊपर से शानदार छक्का जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने आए हैं अजय एक और तेजी से स्कोर में बता दूं इस समय जा पहुंचा है 53 रनों पे देवरिया। फिर एक बार इसे उठाए जरूर है और एक शानदार कैच छक्का जा रहा था लेकिन एक शानदार कैच का नमूना पेश करते हुए वहां पे बिट्टू भाई आप लोग वीडियो को शेयर कर दो भाई जितने लोग देख रहे हैं भाई वीडियो को शेयर कर दो भाई लाजवाब मैच हो रहा भाई। और मैं बता दूं 53 रनों के योग पे 53 चौथा विकेट इसी ओवर में करने से जो कि वापसी कराते हुए सलेमपुर की टीम को और ओवर की समाप्ति ओवर की समाप्ति हो गई भाई। मैं बता दूं इस समय जो कि आज का उद्घाटन मैच स्वर्गीय श्री गंगा यादव ये देख लो भाई स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि देरवा में हर साल की भांति साल भी जो कि आज उसका पहला मुकाबला खेला जा रहा है देवरिया और सलेमपुर के बीच जो कि दोनों एक ही जिले से टीम आती है और शानदार क्षेत्रीय टीम मानी जाती है। और मैं बता दूं बची 36 गेंदों में 63 रनों की दरकार तो मैं बता दूं इस समय गोलू के ऊपर काफी जिम्मेदारी देवरिया के टीम के तरफ से जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए हैं अभी भी संघर्ष करते हुए अपनी टीम के तरफ से और गेंदबाज विजेश पटेल भाई मैं ठीक हूं आप कैसे हो ज्ञान जो कि अपने स्पेल का दूसरा अपनी टीम के तरफ से अपनी टीम के तरफ से सातवां ओवर लेकर आते हुए इस बार रोड छोर से इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार लेकर ओवर द विकेट जो कि गोलू के कंधों पे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए देवरिया फिर एक बार इसे उठाया जरूर है गेंद हवा में उसे और खुद विकेट कीपर जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कैच काफी दूर और डेरावा बहरालगंज में इस समय ये कैच कितना महत्वपूर्ण है वो बल्लेबाज ने भरत इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जो कि अजय का विकेट गिरने के बाद इस समय पारी को संभाल रहे हैं। गोलू अभी भी एक संघर्ष करते हुए जो कि ओपनिंग बैटिंग करने के लिए आए हैं ज्ञान रोड छोर से फिर एक बार तैयार बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है फिर इसे उठा के खेलने का प्रयास जरूर किया था जब तक उधर कवर में विजय फील्ड करते और थ्रो करते एक रन और तो इस समय स्कोर जा पहुंचा है 55 रन चार खिलाड़ी का आउट होने के बाद देवरिया 61 रनों की और जरूरत है अगले दौर में पहुंचने के लिए और सलेमपुर को अगर क्वार्टर फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित करना है तो इस 61 रनों के ही अंदर रोकना पड़ेगा देवरिया की टीम को। इस ओवर के बाद मात्र 5 ओवर यानी 30 गेंद का और खेला फिर एक बार चले ज्ञान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और शानदार गेंदबाजी करते हुए इस समय जो कि मैच काफी रोमांचक मुकाबला इस समय देवरिया और सलेमपुर के बीच आज का उद्घाटन मैच खेला जा रहा है अभी भी स्कोर रुका हुआ जरूरत है इस ओवर में बाउंड्री की देखने वाली बात होगी तीन गेंद में क्या वो बाउंड्री आ सकती फिर एक बार उठा के मारने का प्रयास उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम एक सवाल भर पूछा गया विकेट कीपर के द्वारा इंपायर को सिरे से खारिज किया तो शानदार गेंदबाजी इस ओवर में करते हुए और जो चीज जरूरत है सलेमपुर को अभी भी इस ओवर में बाउंड्री कोई नहीं आया है तो यह चिंता का सबक है हर एक ओवर में एक बाउंड्री कम से कम
फिर इसे उठा के खेलने का प्रयास, पैरों पे गेट जाके टकराई, रन लेने का प्रयास वहां पे किया और पूरा भी कर लिया। तो स्कोर इस समय धीरे धीरे ही सही 56 रन जा पहुंचा है। दबाव इस समय देवरिया की टीम के ऊपर आता हुआ, शानदार गेंदबाजी करते हुए इस समय ज्ञान रोड शो से फिर एक बार चले, फिर एक बार उठा के खेलने का प्रयास दिया था और ओवर की समाप्ति। तीस गेंद पे चाहिए कितना रन बता रहा हूँ और मैं बता दूं, बची 30 गेंदों में 60 रनों की दरकार है, यानी 12 का के एवरेज से यहाँ पे रन बनाना होगा अगर दुवरिया को अगले दौर में अपना स्थान सुनिश्चित करना है। 30 के 60 रन, एक शानदार दोनों टीम इस उद्घाटन मैच में टॉस जीत के सलेमपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैं बता दूं निर्धारित 12-12 ओवर के मुकाबले में 115 रनों का एक शानदार और विशाल लक्ष्य रखा है यहाँ पे। और मैं बता दूं एक और आंकड़ा जो कि पिछले साल का इस ग्राउंड पे जो कि 15 मुकाबले खेले गए थे जिसमें 13 बार जो कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबला जीता था और 2 मुकाबले जो कि लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम ने जीता था। तो बड़ा एक दिमाग में, फिर एक बार दशरथ जो कि पिछले ओवर में 2 झटके दिए थे और पहली गेंद हवा में और गोलू का भी विकेट यहां पर जाता हुआ। आउट होने से पहले गोलू ने 16 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम के खाते में। तो इस समय स्कोर इस समय देवरिया थोड़ी मुश्किल में दिख रही है। पहला मुकाबला उद्घाटन जो कि मैं अभी आंकड़ा बता ही रहा था, 15 मुकाबले जो कि अगले टूर्नामेंट में खेले गए थे, लक्ष्य का पीछा करती हुई 2 बार ही टीम विजेता रही थी। तो 5वें विकेट का पतन होता हुआ, दशरथ 3 विकेट महत्वपूर्ण अपनी टीम के तरफ से ले चुके हैं। फिर एक बार दशरथ चले और इसे तनवीर खेला कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई जब तक वहां पे फील्डर फील्ड करते 1 रन और। तो इस समय देवरिया की तरफ से जरूरी है ताबड़तोड़ इस समय बल्लेबाजी करने की। फिर एक बार दशरथ चले लेफ्ट आर्म और आप स्टंप के बाहर काफी और इंपायर का इशारा इस समय वाइड का आता हुआ। इस अतिरिक्त के सहारे इस समय जा पहुंची देवरिया की टीम 57 रन 5 खिलाड़ी के आउट होने पर। तो मैं बता दूं कि इस समय इस ओवर के पहले 12 रन के एवरेज से यहाँ पे रन चाहिए थे, 30 गेंद में 60 रन। इस समय देखते हैं कितना रन इस ओवर में आता है। फिर अगली गेंद और इसे खेला जरूर है, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं जब तक फील्ड हो और थ्रो हो, एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। तो धीरे ही धीरे सही, लेकिन 58 रन 5 खिलाड़ी के आउट होने पर इस समय देवरिया मुकाबले में थोड़ा पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे एक तरफ से कोई भी बल्लेबाज अगर जिम्मेदारी लेके खेले और फिर इसे उठाया जरूर है कि सीमा रेखा की तरफ जा रही, जी हाँ 6 रन
तो मैं बता दूं कल का जो कि बेहतरीन मुकाबला सलेमपुर टेंट हाउस और फिर एक बार चले दशरथ और यादलिंग की पैरों पे जाके टकराई और जब तक वहां पे खिलाड़ी फील्ड करते एक रन और स्कोर इस समय जा पहुंचा 65 रन। पांच खिलाड़ी का आउट होने पर स्ट्राइक पे इस समय सामना करेंगे भरत। साठ पी चौरी से उठा के फिर खेलने का प्रयास जरूर कर रहे थे लेकिन बैट का मोटा भारी सिरा लिया वहां पे अंकित फील्ड किए कोई रन नहीं ओवर की समाप्ति स्कोर। भाई अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं कब है भाई बता दो भाई। ठीक है भाई कमेंट्री कोई बची 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है यहाँ पे तो अभी भी देवरिया मुकाबले में बना है लेकिन कोई एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेना होगा कि लास्ट तक 24 गेंद पे चाहिए भाई खेलते रहे। यह पिच जो कि काफी तेज पिच है देवा का माना जाता है बहुत काफी मेहनत करते हैं यहाँ के कार्यकर्ता देख रहे हैं उनका बहुत स्वागत है और वीडियो के बाद जो लोग बबलू भाई की टीम जो कि यहाँ पे 24 गेंद पे चाहिए आप भाई कितना रन बता रहा हूँ पिच और ग्राउंड बनाने में काफी जितना भी तारीफ करे आप जो कि यह मुकाबला आप हर साल देख पाते हैं वो इनकी टीम का ही देन है कि आज आप इस मुकाबले को और इस पिच और इस सुंदरता को आप देख पा रहे हैं अपने बीच कर रहा है जो भी कर रहा है अभी प्रेजेंट है। और मैं बता दूं 24 गेंदों में जीत के लिए देवरिया को 51 रन और जरूरत और 5 विकेट अभी भी तो मैच इस समय रोमांचक दौर में जाता हुआ। भाई आप लोग वीडियो को शेयर कर दो भाई जितने लोग देख रहे हैं तनवीर जो कि अपनी टीम की तरफ से छक्का लगा के खेल रहे हैं लास्ट तक इनको बना रहना होगा अपनी टीम की तरफ से फिर इसे उठा के खेलने का प्रयास जो नीचे रखती हुई और आप इस टीम के बाहर एक शानदार गेंदबाजी से जो कि ज्ञान सलेमपुर के तरफ से बहुत ही किफायती गेंदबाजी अभी तक कर रहे हैं। ठीक है मैं पूछ के आपको अपडेट कर दूंगा इसी पेज पे नेहा खान शुक्रिया नेहा खान भाई। 65 रनों पे अभी भी रुका हुआ बची 23 गेंदों में कम रनों की टक्कर फुल टॉस भी से लेके खेला है उस ओर खिलाड़ी कोई नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो जिस बाउंड्री की दरकार थी वो दूसरे ही गेंद पे इस समय दिलाते हुए और एक मुकाबले में जान फूंकते हुए तनवीर मैं बता दूं इनके बल्ले से दूसरी बाउंड्री इस मुकाबले में आती हुई एक छक्का भी अगले ओवर में लगाए थे इनसे काफी उम्मीद देवरिया की टीम की कप्तान जो कि लगा रहे होंगे कि लास्ट तक कमेंट पर बल्लेबाजी करते रहे फिर एक बार चले रोड शो से और फिर इसे उठा के खेलने का प्रयास जरूर किया था उस ओर खिलाड़ी मौजूद और एक रन और आता हुआ इस समय का मैच मेरे तो मैं बता दूं पांच गेंद में जफर एनजेट को फॉलो माफी तीन गेंद में 5 रन अभी तक आ चुके हैं ज्ञान जो कि लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट रोड छोर से इस समय अपने स्पेल का तीसरा टीम के तरफ से 9वां ओवर लेकर आए हैं फिर इसे लाभ जी हां छठा विकेट इस समय जाता हुआ छठा विकेट गिर चुका भाई लॉन्ग आप के ऊपर से खेलने का प्रयास कर रहे थे मोटा भारी सिरा जो कि पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं किया और छठे विकेट का यहां पर पतन होता हुआ देवरिया का गंज के पास एक गांव है टेरवा वहां पे हो रहा है मैच भाई कितनी बार बता चुके भाई सब बता दूं कल दो मुकाबले आज उद्घाटन मुकाबला था इसलिए एक ही मुकाबला हर साल जो कि जिस तरह प्रारंभ होता है तो काफी
टाइम लग जाता है उद्घाटन मुकाबले में, इसलिए आज एक मुकाबला, कल से दो दो मुकाबले हैं। मैं बता दूं, पहला मुकाबला सोनू पेंट हाउस बनाम पकड़ी बाजार और दूसरा मुकाबला जो कि केसीसी बड़हलगंज बनाम पचमा। अरे भैया, तो कल मैं बता दूं, इंफार साहब का कहना सही है, आप आइए खेलिए लेकिन नियम के हिसाब से। और ऐसा काम न करें मुकाबला, इंफार साहब आप ध्यान दीजिए, थोड़ा समय का भी ध्यान दीजिए, फिर एक बार चले रोड छोड़ के, फिर अलाउंस होगा भाई ध्यान, और फिर एक बार गेंद हवा में जरूर थी और जब तक वहां पे आनंद फील करते हैं। तो इस समय स्कोर धीरे धीरे ही सही बढ़ता हुआ 71 रन पे जा पहुंचा है। अभी फिर से अलाउंस होगा भाई, किसका किसका मैच है जो लोग नहीं सुन सुन ले। संजय पटेल दुबई से जय, शुक्रिया भाई, आप लोग वीडियो को भाई शेयर कर दो भाई, जितने लोग देख रहे वीडियो को भाई शेयर भी कर दीजिए। अगली गेंद और फिर एक बार पॉइंट पे खेला जब तक वहां पे फील्डर फील्ड करे एक रन और, तो ओवर की समाप्ति। मैं बता दूं कल जो कि इस टूर्नामेंट का दूसरा लीग मुकाबला खेला जाएगा सोनू पेंट हाउस जो कि एक बार से देख रहे हैं जितने लोग जान जाते विजेता भी रह चुकी है यह टीम, तो कल उसका मुकाबला पकड़ी बाजार से। और दूसरा मुकाबला मैं बता दूं जो कि 1 बजे से खेला जाएगा पचपा बनाम केसीसी बड़हलगंज के बीच। तो कल से दो दो मुकाबले जो कि क्रिकेट का महाकुंभ कहा जाता है बिरवा का ग्राउंड, वहां पे कल से दो दो मुकाबला फिर चालू हो जाएगा। तो दोस्तों बता दूं अपने सही टाइम पे आके इस मैच का लुत्फ उठाएं। ओए उन्हें चार को लगा दो, शुक्रिया इमरान खान भाई, आपका भी कमेंट पढ़ रहे हैं भाई, शुक्रिया। और मैं बता दूं आप इस मैच का लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे, जफर एंड एनजेड की तरफ से कमेटी का भी हार्दिक अभिनंदन और बंगल और आभारी रहेगी इस पूरा टूर्नामेंट का जो कि लाइव प्रसारण यहां पे अपना बहुमूल्य टाइम देके दिखा रहे हैं। कमेटी के तरफ से उनका भी हार्दिक अभिनंदन और बंदन और स्वागत करती है देरवा के ग्राउंड पे। तो मैं बता दूं बची 18 गेंदों में, 18 गेंद पे भाई कितना रन चाहिए बता रहा हूँ, फिर एक बार तैयार तनवीर के लिए, आप इस टीम के बाहर और इंपायर का इशारा इस समय वाइट, तो इस अतिरिक्त के सहारे इस समय देवरिया 73 रन पे जा पहुंची है। एक बार चले दशरथ और इसे फुल टॉस पे लेके खेला जरूर है उस और बिट्टू, जबकि फील्ड करे और थ्रो करे तब तक एक रन और इस समय आता हुआ। बची 16 गेंदों में मैं बता दूं 42 रनों की दरकार, 42 रन चाहिए भाई जितने इस समय मुकाबला ताबड़तोड़, अगर जरूरत है देवरिया को बाउंड्री की चाहे किसी भी तरह से आए कोई भी बल्लेबाज मारे। 16 गेंद पे 42 रन चाहिए भाई, 16 गेंदों में 42 रनों की दरकार। पहला लीग मुकाबला मैं बता दूं दशरथ, फिर एक बार चलेंगे कमेटी छोर से लेफ्ट आर्म राउंड और ऑफ स्टंप के बाहर शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के तरफ से। बची 15 गेंदों में 41 रनों की और दरकार, 15 गेंद पे 41 रन चाहिए सिराज अशरफ सलेमपुर से कतर से देखे, शुक्रिया भाई
यहाँ पे बहुत कुछ निर्भर करेगा तनवीर के बल्लेबाजी पे। देवरिया अभी भी दो गेंद, भाई 16 गेंद चाहिए भाई। फिर एक बार चले दशरथ और इसे खेलने का प्रयास करके लॉन्ग आप पे, जब तक वहां पे बिट्टू फील्ड करे और थ्रो करे एक रन और तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होगा सलीमपुर को। अगर एक एक रन जाता है यहाँ पे विनय रिंकू भी खेलने आएंगे। यहाँ पे बाउंड्री की दरकार अभी भी है, कोई डेट नहीं पड़ी उन देवरिया को। अगर इस मुकाबले में बना रहना है और लास्ट तक और इस मैच को ले जाना है, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए सलीमपुर की टीम की उतनी ही कम। शानदार गेंदबाजी करती हुई इस समय और इसे उठा के खेला जरूर है लॉन्ग ऑफ के पास वहां पे, जब तक विजय वहां पे फील्ड करे और थ्रो करे। जितने लोग देख रहे एक रन और तो मैं बता दूं, एक एक रन से यहां पे काफी दूर होती नजर आ रही है हर गेंद पे। यहां पे बाउंड्री की दरकार जरूर है, जो कि दर्शक आस इस आस में कोई भी बल्लेबाज बाउंड्री लगा दे और इसे खेला जरूर है इस बार पॉइंट के ऊपर से, लेकिन एक रन ही मिलेगा। तो इस ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए दशरथ और इस समय स्कोर 78 रनों पे जा पहुंचा है। तो जिस चीज की जरूरत थी, दरकार थी बाउंड्री की, वो इस ओवर में काफी मुश्किल कर दिया दशरथ ने। फिर इसे उठाया जरूर है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। जी हां 6 रन। यानी 32 रनों की दरकार, 12 गेंद पे 32 रन चाहिए भाई, 32 रनों की और दरकार बची इन 12 गेंदों में। तो लगभग एवरेज 16 का औसत हो चुका है, यानी तीन बाउंड्री आपको मारना ही पड़ेगा इन बची दो ओवरों में। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा सेकंड लास्ट ओवर पे, जो कि देखने वाली बात होती है सलीमपुर के कप्तान किसको इस समय गेंदबाजी का जिम्मेदारी देते हैं। 32 रनों की और दरकार इस पहले उद्घाटन लीग मुकाबले में, जो कि देवरिया और सलीमपुर के बीच खेला गया, जो कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित है 12-12 ओवर के मुकाबले में 115 रनों का एक शानदार लक्ष्य रखा था। इस समय लोकल बॉय जो कि ग्राउंड पे दिखते हुए शेखर जायसवाल, जो कि एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी टीम के तरफ से देवा की टीम के तरफ से है। फिर एक बार आनंद चले कमेटी के रोड छोर से और इसे उठा के खेला जरूर है, उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं, पॉइंट के ऊपर से 4 रन। अंपायर के देखो तो मुकाबले में थोड़ी सी जान फूंकते हुए तनवीर, जो कि एक शानदार पारी अपनी टीम के तरफ से खेलते हुए। और मैं बता दूं इससे 11 गेंदों में 28 रनों की और दरकार, 11 गेंद पे 28 रन चाहिए भाई, 11 गेंदों में 28 रनों की दरकार। फिर एक बार चले आनंद रोड छोर से ओवर द विकेट और इसे उठा के खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, उस ओर खुद बॉलर और कैच बोल्ड यहाँ पे जो आप कह सकते हैं। तो एक उम्मीद लगा के बैठी थी, पहले गेंद पे बाउंड्री भी लगा दिए थे, एक और बाउंड्री लगाने के प्रयास में अपने अपना विकेट गवाते हुए। तो इस समय काफी मुश्किल में दिखती हुई देवरिया की टीम, 10 गेंदों में 28 रनों की दरकार। कल का मुकाबला में बता दूं प्रातः 10 बजे से, जो कि सलीमपुर टेंट हाउस और पकड़ी बाजार के बीच, और दूसरा मुकाबला जो कि पचमा और केसीसी बड़हलगंज के बीच। बल्लेबाज नेम नानी स्ट्राइक,
10 गेंद चाहिए भाई 28 रन। लोकेश लोकेश जो कि नॉन स्ट्राइक पे इस समय तनवीर का स्थान लेने के लिए आया है। बची 10 गेंदों में 28 रनों की दरकार। फिर एक बार आनंद चले रोड शोर से और सात पिचोरी से खेला है। किस सीमा रेखा की तरफ जा रही है और इंपायर का इशारा 6 रन। प्रदीप की टीम भी यहां पे आएगी, अभी आई नहीं आज। और 22 रनों की और दरकार। फिर एक बार चले और इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। जब तक वहां पे फील होता है दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। जी हां, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। 20 रनों की और दरकार। नुमान कंपनी के मैच देख कर मैं इंपायर साहब से जानना चाहूंगा कितनी गेंदें और इस ओवर में 4 गेंद हो चुका, 2 बॉल यानी 8 गेंदों में 20 रनों की दरकार। फिर एक बार आनंद चलेंगे रोड शोर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इसे उठा के खेलने का प्रयास। शानदार गेंद स्टंप के बाहर से होती हुई चली गई। तो इस समय 7 गेंदों में 20 रनों की दरकार यानी 3 छक्के लगाने होंगे इससे 7 बची गेंदों में। मैच में बहुत हद तक इस समय सलेमपुर दबदबा बना कर रखी है और बढ़त बना कर रखी हुई है। फिर एक बार आनंद चल अपने स्पेल का लास्ट गेंद देखे और इसे उठाया जा रहा लॉन्ग ऑफ के पास। उस समय फील्डर और एक आसान सा कैच है। इस समय 6 गेंद पे 20 रन चाहिए। तो मैं बता दूं बची 6 गेंदों में 20 रनों की और दरकार। इस मुकाबले को अगर जीतना है देवरिया को और क्वार्टर फाइनल में अपना जगह अगर सुनिश्चित करना है। 6 गेंद पे 20 रन चाहिए भाई। 6 गेंद पे 20 रन जीतने के लिए 6 गेंद और बराबरी का मुकाबला। लेकिन देवरिया की तरफ से मैं बता दूं कोई भी बल्लेबाज जो कि 6 गेंद पे 20 रन जिम्मेदारी और से अगर खेला होता लास्ट तक तो यह मुकाबला और थोड़ा रोमांच है। जो भी दर्शक यहाँ पर बैठे हुए थे 20 रन चाहिए जीतने के लिए भाई। बल्लेबाज ने मिस्ट्राइक पे चंदन, तो चंदन जो कि इस समय लास्ट ओवर निर्णायक 6 गेंद यहाँ पे फेंका। कमलेश फिर एक बार चलेंगे और इसे उठा के खेलने का प्रयास और रन आउट का एक आसान सा मौका जो कि विकेटकीपर गवाते हुए। 5 बची 5 गेंदों में 19 रनों की दरकार। विजय सानिक आप ही है ना। अगर 2 छक्के अगर बची 3 गेंदों में अगर आ जाए तो काफी मैच और रोमांच हो सकता है। देखने वाली बात होगी देवरिया कितनी देर तक इस संघर्ष कर सकता है इस मुकाबले में। और इसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास शुरू किया था और कैच ड्रॉप होता हुआ। अभी भी इंपायर का इशारा। इस मैच में आप लोग अंपायर के देखिए सही कह रहे सैयद खालिद कमेंटेटर। 2 रन जो कि कैच ड्रॉप हुआ था वहां पे खिलाड़ी से। तो इस समय सलेमपुर लगभग क्लीन फील्ड कर दिया है कमलेश ने। Thank you.
तो लगभग सलेमपुर की टीम इस समय क्वार्टर फाइनल में अपना जगह सुनिश्चित। फिर एक बार चले कमलेश भाई आपका नाम। स्टेट में खेला जरूर है जबकि शेखर वहां पे फील्डर जब तक फील्ड करते एक रन और। ठीक है भाई विजय साहनी से पूछ लेंगे आपका। कल का मुकाबला मैं बता दूं सलेमपुर टेंट हाउस और बनाम पकड़ी बजा के बीच खेला जाएगा। फिर एक बार उसे खेला जरूर है लेकिन वहां पे फील्डर शेखर जब तक फील्ड करे। इस मैच में बस औपचारिकता बची है जो कि सलेमपुर की टीम अगले मुकाबले में जो कि क्वार्टर फाइनल में अपना पहली टीम बनेगी जो कि क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित की है। और यहाँ पे ओवर समाप्त होती हुई और इसी के साथ देवरिया की टीम की उम्मीद भी समाप्त होती हुई। और मैं बता दूं कल का जो कि मुकाबला प्रातः 10 बजे से खेला जाएगा। फिर एक बार कल आपके आपको दो मुकाबले जो कि देखने को मिलेंगे। देखो फील्ड है आप लोग को दिखा दो भाई। प्रातः 10 बजे से सलेमपुर टेंट हाउस जो कि पकड़ी बाजार से दूसरा लीग मुकाबला होगा। दूसरा कल का मुकाबला जो कि केसीसी बड़ौगंज बनाम पचमा। ठीक है आप लोग समय कल के तो ये दो अंपायर हैं। ठीक है भाई आप लोग से कल।